तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पिनामल एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। पिनामल एंटरप्राइजेस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोवर लो लोवर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अगेन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और हमको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.87% की यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर हमको तेज़ी भी देखने को मिली है वो भी यहाँ पर स्टॉक के सपोर्ट लेवल से। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 851 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 927 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1000 देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1127 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1200 और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1300 और 1400 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 808 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 774 और 727 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।